सुनिए सुनिए, बात यह है कि शेख जर्जी साहब भाग चुके हैं, आए थे खाए पिए रहे, वो भाग चुके हैं। अब ये इस समाज और ये क्या कहते हैं इस जलसा कमेटी की एक तरह से बेइज्जती है। ये शेख जर्जी से निकल चुके हैं, आए थे खाए पिए रहे और उसकी वजह वो आते तब ना मालूम पड़ता। आप लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, मौलाना जर्जी साहब को लाने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और मौलाना जर्जीस ने जिसको मैसेज देकर भेजा है कि आप कमेटी वालों ने इनामुल हक मदनी को और अब्दुल्ला मदनी को जलसा का सदर बनाया है इश्तेहार में, आप लोगों ने देखा है इनामुल हक मदनी और अब्दुल्ला हिल काफी को सदर बनाया है। हम लोग जलसा के सदर हैं, कमेटी की तरफ से हम लोग को सदर बनाया गया है। हम लोग अपना कलिमात बातें रख चुके हैं, हम लोग अपनी बातें रख चुके हैं। अब वो जिम्मेदारी है मौलाना जर्जी साहब की और मौलाना तौहीद आलम साहब जिन्होंने प्रोग्राम दिया है वो आकर तकरीर करें, वो आकर इन्होंने प्रोग्राम लिया था मौलाना तौहीद आलम सलफी साहब ने, वो आकर तकरीर करें। मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह और मौलाना तौहीदा या मौलाना अब्दुल्ला काफी भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग सदारती खिताब रखने के लिए आए थे, रख चुके हैं जी। आप लोग बोलना क्या चाहते हैं आपको समझ में? आप लोग चुप रहिए ना, चुप रहिए चाचा, मेहरबानी कर दे आप उन लोगों को बोलने दे। नहीं नहीं चुप रहिए ना। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे जिनके द्वारा बात हुई है वो मौलाना तौहीद आलम साहब है, वो भी आए हुए हैं स्टेज में, वो आ रहे हैं, वो आपको बतला रहे हैं क्या मामला, फिर आप लोग सुन लीजिए। मैं वलीपुर में जर्जी साहब का डेट मैं नहीं दिया था, ये लोग अपने से मौलाना मशरिक तैमी साहब मौलाना का डेट लिए थे। हमारा नाम नजामत में था, मैं मगरिब बाद मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में बैठकर पहुंचा, मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में बैठकर पहुंचा और मौलाना हुसैन सलफी के रूम में मैं सोया रहा। एक मिनट आपसे, जितने भी चैनल वाला है आप लोग मेहरबानी करके अपना अपना यूट्यूब चैनल को कुछ देर के लिए बंद किया जाए, बड़ा मेहरबानी, आप लोग कुछ देर के लिए बंद कीजिए, जो भी होगा उनके लिए हम लोग कमेटी वाले हैं, आप लोग बड़ा मेहरबानी कुछ देर के लिए अपना अपना चैनल को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग से हम लोग बहुत, आप लोग से बार बार अपील करते हैं कि आप लोग अपना अपना चैनल कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए। मैंने कहा था बस्ती छोड़ के मत जाओ। नहीं, इस बस्ती के लोग ईमान नहीं ला रहे, हम दूसरी बस्ती में जाके तबलीग करेंगे, तबलीग करेंगे, लेकिन दूसरी बस्ती में अहमियत का, उसकी फजीलत का, उसके बड़े होने का, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज किया है कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि आए अल्लाह मुझे तू कोई ऐसा वजीफा बता, ये उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते मैं उस वजीफे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूं, मैं उस कलमे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूं। आवाज आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया, मूसा तुम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसी कलमे को पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत मूसा ने फरमाया आए अल्लाह मुझे कोई दूसरा कलमा बता, ये कलमा तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, इस कलमे को तो सारे बंदे अदा करते हैं, ये कलमा तो सभी पढ़ते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी अपनी जबान से अदा करते हैं, आए अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता जो इससे हट करो और मैं उठते बैठते ही उसको वजीफे को पढ़कर तुझे याद करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया आए मूसा इसी कलमे को पढ़ो, तुम जानते नहीं हो कि ये कलमा क्या है, ये वजीफा क्या है। फरमाया अगर सारी दुनिया की जमीन और आसमान सबको तराजू के एक पड़े पे रख दिया जाए,
और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो जमीन और आसमान का पल्ला उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारी जमीन और सारे आसमानों से ज्यादा भारी है। आए मूसा, मुझे यही वजीफा पसंद है, मुझे यही कलमा पसंद है। मेरे भाइयों, इस कलमे से हमें और आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब, इस कलमे से तो हमारा रिश्ता पहले ही से मजबूत है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब यह है कि जो तुम अपनी जबान से इकरार कर रहे हो इसके तकाजे को भी पूरा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अगर माबूद मान रहे हो तो याद रखो सिर्फ जबान से माबूद नहीं। ऐसा ना हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हो और हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए तुम मदद किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम पढ़ रहे हो लेकिन हाजतें किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो लेकिन सजदा किसी और के सामने कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो अपने गलों में ताबीज और गंडे भी लटकाए फिर रहे हो, तवक्कुल किसी और के ऊपर भी कर रहे हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लेकिन उसके तकाजे को भी पूरा करो। सारे नबियों की यही दावत थी, मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह, सब की यही दावत थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब एक अल्लाह की इबादत, परस्तिश और पूजा से हटकर किसी और चीज की दावत देता हो। मेरी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे जाकर खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी कलमे से, इस कलमे की दावत से। कहीं ये कहा जा रहा है ब्रह्म सूत्र की शक्ल में, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, और कहीं ये कहा जा रहा है यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी रिशा, कहीं ये कहा जा रहा है। गौर करिए, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। गौर करो कितनी बड़ी तौहीद है, एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, क्लियर कर रहे हैं। ऋग्वेद भूमिका में लिखा है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं। नेहनास्ति किंचन, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ एक ही है इस ब्रांड का रचयिता और रचनाकार। और आगे यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा। संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति उसी से इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसके माना होते हैं मांगो उससे। यो इसमें इशारा दूर के लिए, यचित्ति यो मांगो उससे, वही है। दो बर्तबा जो यो आ रहा है उसके माना पर गौर कीजिएगा, यचित्ति यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है। पिम्मिम्मा तुम्हारी झोली भरने वाला, वही है तुम्हें सब कुछ देने वाला, यानी उसी से मांगो, वही सब कुछ तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी झोली भरने वाला है, तुम्हारे दामन को भरने वाला है। और आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, नस्तस्मा देविशो रिशा, नस्तस्मा देविशो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा रिशा जो तुम्हें कुछ भी दे सके, नस्तस्मा देविशो रिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है।
उसी से मांगो, वही है देने वाला, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। यही तो इस्लाम की असास और बुनियाद है। ये इसी दावत से तो जोड़ा था सबने, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। कुरान कहता है वल्लज़ीन तदउन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर। अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी कुछ मांग रहे हो, मायम लिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तुम जिनको भी कुछ समझ रहे हो ना, उनकी हैसियत यह है कि वो खजूर की गुठली के छिलके के भी, एक तो होती है खजूर, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फिर होती है खजूर को निकाल लो गुठली, गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई, गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा परत होता है, ऐसे करेंगे आप नाखून मारेंगे तो हल्का सा छिलका झिल्ली निकलेगी। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी मांग रहे हो, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया। फिर फरमाया एक जगह वला तदू मिन दूनिल्लाही मा ला यनफउक वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नक इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। मा ला यनफउक, जो तुम्हें ना नफा पहुंचा सकता है, वला यजुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फइन फअलत फइन्नक इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पुकारोगे गैर अल्लाह को तो तुम जालिम कहलाए जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह ने जालिम करार दे दिया कि तुम जालिम कहलाए जाओगे। सरा अंदाजा लगाइए, ना अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, ना अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज है। आप को एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण है, दो रामायण है, एक तो है तुलसीदास जी की रामायण जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक है वाल्मीकि रामायण, सबसे ज्यादा पुरानी रामायण वही है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लेकर गया, और हनुमान और लक्ष्मण जब सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाए, तो रामचंद्र जी के सामने जब प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए हम आपकी पत्नी को ले आए, तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने राम के प्रणाम किया, उनको झुका और पैर छूना चाहा। तो सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूं, आज पैर छूने का रिवाज है। तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा दिया और खड़ा करके फरमाया राम रामा रम राम रामा सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड है जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं, राम रामा ए नमः। हाय सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाए, संस्कृत में जब रामा के आगे आय आ जाए तो उसका माना होता है का के को और आगे लिए, का लिए के लिए को लिए, तो राम रामाय नमः, राम के राम को
या राम के, राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामा ए नमः, हाय सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद हैं गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं, गौर करो। चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं हीरा शहर से आ रहा हूं। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूं और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा ना करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए, इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबा किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूं और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया, लऊ मररता बिकबरी, लऊ मररता बिकबरी अंतसजुद लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे हैं। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, मुल्क शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। और अल्लाह के नबी जवाब ये दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी कब्र बन जाए तो क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे उसे? मतलब बिल्कुल साफ है, मैं अपनी जिंदगी में तो तुम्हें रोक लूंगा, अपनी जिंदगी में तो तुम्हें मना कर दूंगा, अपनी जिंदगी में तो मैं तुम्हें सजदा नहीं करने दूंगा अपने लिए। लेकिन इंतकाल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगो, मेरी कब्र पे आके माथा टेकने लगो, मेरी कब्र पे आके सर झुकाने लगो। इसलिए अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हुई, अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र की फिक्र हुई। जिंदगी में तो मैं रोक ही लूंगा भाई, कोई आदमी अभी जर्जीत साहब के सामने झुक जा, मैं ए, क्या कर रहा, मेरे पैर छूता है, अरे मैं भी तेरी तरह इंसान हूं, उठ, जिंदगी में तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे तो क्या होगा? तो आपने इंतकाल के बाद की खबर दी और फरमाया, लऊ मररता बिकब्री अंतसजुद लहू, अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उन्होंने कल्ला, कालू ला, नहीं। आपने फरमाया, फला तफालू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता और नबी अकरम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को सजदा करने से मना कर गए हो, तो फिर नबी से बढ़कर कौन है और नबी से ऊंची शख्सियत किसकी है? नबी से बढ़कर किसकी जात है जिसको सजदा किया जा सके? इस बात पर हमें और आपको गौर करना चाहिए, सबको, हर इंसान को सोचना चाहिए। और फिर आइए आपको एक पॉइंट की बात बताऊं। सीरत पढ़िए सारे नबियों की,
सारे नबियों की सीरत पढ़िए। अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 25 रसूलों का तस्किरा किया है, 25 नबियों का जिक्र किया है कुरान में। आप 25 नबियों की सीरत पढ़ जाइए। अल्लाह ने कुरान में जितने नबियों का नाम लिया है, अल्लाह ने कुरान में जितने रसूलों का नबियों का नाम लिया है, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी परेशानियों का तस्करा भी कर दिया है। जितने भी नबी इस दुनिया में आए उनको परेशानियां भी आई और उन परेशानियों का जिक्र अल्लाह ने किया दुनिया वालों को यह बताने के लिए कि आए दुनिया वालों देखो, जिन नबियों रसूलों को तुम सजदा करते हो और जिनको तुमने खुदा का दर्जा दे रखा है, इन नबियों पर भी दुनिया में परेशानियां आई, इन नबियों पर भी दुनिया में मुसीबतें आई, इन नबियों पर भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन इन नबियों ने इन रसूलों ने अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह से किया है और अपनी मुसीबतों का हल अल्लाह के पास तलाश किया है। यानी ये पैगंबर ये रसूल अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सके तो तुम्हारी परेशानियां क्या दूर करेंगे। एक तरफ से देखते हुए चलिए, एक तरफ से देखते हुए चलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब इनका पुतला बनाया, फिर इसमें रूह डाली, फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया, फिर इन्हीं की पिछली से हव्वा को पैदा किया, फिर हव्वा को भी जन्नत में दाखिल कर दिया, इन दोनों को हुक्म भी दे दिया कुलो वशरबू, आए आदम हव्वा तुम जन्नत में खाओ और पियो, जितना खाओ जो चाहो पूरी जन्नत तुम्हारे लिए फ्री है, खाओ पियो आराम करो, लेकिन मेरा एक हुक्म है और वो हुक्म ये है कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान बहकाया, हम शॉर्ट कर रहे हैं, पूरा वाकया नहीं बताएंगे, सिर्फ मकसद की चीजें बताएंगे। शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को बहकाया और उस दरख्त के करीब ले गया। जब शैतान उस दरख्त के करीब ले गया और दोनों ने उस फल को खा लिया तो जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। अल्लाह ने हुक्म दिया आदम और हव्वा, तुमने मेरी हुक्म अदूली की, मेरी नाफरमानी की, मेरे हुक्म को तोड़ दिया, लिहाजा तुम दोनों का जन्नती लिबास उतर गया। आदम और हव्वा ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़े और उन बड़े बड़े दरख्तों से अपने जिस्म को छिपाया। फितरत है इंसान की, याद रखिएगा, आज के इस बेशर्मी और बेहयाई के दौर में जहां न मर्दों को शर्म आए ना औरतों पे शर्म रह गई हो, उनके लिए गौर करने की चीज है कि आदम और हव्वा के जिस्म से जब जन्नत का लिबास उतरा, जबकि हव्वा उनकी बीवी थी, किस बात की शर्म थी? कोई शर्म नहीं, लेकिन इसके बावजूद आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। शर्म हया इंसान की फितरत में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आदम और हव्वा का जिस्म जब जिस्म नंगा हुआ और जन्नती लिबास उतरा तो हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त के पत्तों से, जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये शर्म हया इंसान की फितरत में शामिल है। आज के इस बेहयाई के दौर में मर्द भी देखें, औरतें भी गौर करें, आज उनके ड्रेस, उनके लिबास, उनके कपड़े आज किस हद तक बढ़ाना हो चुके हैं, बोलो किस हद तक उनके कपड़े उतर चुके हैं उनके जिस्म से और शॉर्ट हो गए हैं उनके जिस्म से, गौर करें मेरे भाइयों। फिर आदम और हव्वा दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया के अंदर दाखिल किया गया, भेज दिया गया। आदम अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने भेज दिया, परेशानी आई, जब दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस परेशानी का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तलाश किया और अपनी इस खता और अपनी इस गलती की माफी यूं मांगी अपने रब से।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हम दोनों ने, आदम हव्वा दोनों, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। तूने जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया है, शैतान के बहकावे में हम आ गए हैं और हमने उस दरख्त के फल को खा लिया है। वइल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमारी मगफिरत न फरमाई, व तरहमना, और हमारे ऊपर तूने रहम न किया, लनकूनन मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। देखिए, नबियों पर परेशानी आई, नबी किसका दरवाजा खटखटा रहे हैं? अल्लाह का। आइए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको पुकारा? जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बद्दुआ दे चुके हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, मेरी कौम अभी ईमान नहीं लाएगी। ऐ अल्लाह, मेरी कौम में किसी काफिर और फासिक और फाजिर के घर को भी बाकी मत छोड़ना। ऐ अल्लाह, सबको तू तबाह बर्बाद कर दे, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन। ऐ अल्लाह, सारे काफिरों को छोड़ना मत। ऐ अल्लाह, इनको हलाक और बर्बाद कर दे। अगर एक को भी तूने बाकी छोड़ दिया तो फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी। लेकिन हालत यह है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा खुद पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी बढ़ता जा रहा है, तो अपने बेटे से कहने लगे, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में आ जा। आए मेरे बेटे, ईमान लिया। आए मेरे बेटे, अल्लाह को अपना माबूद मान ले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, सर अल्लाह के सामने झुकाने वाला बना ले अपने आप को, और आ जा मेरी कश्ती में। कहने लगा, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं आ सकता मैं आपकी कश्ती में, हम पहाड़ पे चल जाएंगे, देखे पहाड़ तक पानी कैसे आता है। वो पहाड़ पे चढ़ गया। औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों को गाफिल कर देती है, औलाद की मोहब्बत अच्छे अच्छों का ईमान भी खराब कर देती है। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा पानी पहाड़ तक चढ़ गया और आज मेरा बेटा बचेगा नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेरा बेटा है, अल्लाह ये मेरा बेटा है, पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, डूब के मर जाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। नूह अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने जवाब क्या दिया? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। आए नूह, आज बेटा कह दिया, आइंदा अगर अपनी औलाद को कभी बेटा कहकर पुकारा तो नबूवत छीन लूंगा। ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हारी बात नहीं मानता, मेरी तौहीद का इकरार नहीं करता, तुम्हारे अहलो अयाल से नहीं है, नहीं सुनूंगा तुम्हारी। आज तुम्हारे बेटे को मरना है। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, नूह का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब के मर गया। मेरे भाइयों, बताना सिर्फ इतना था, बताने का मकसद सिर्फ यह है कि मुसीबत आई बेटे पर तो नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। लेकिन अल्लाह ने भी नूह की नहीं सुनी। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह नबी की भी सुन ले, कोई जरूरी नहीं। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर बन नहीं सकता, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव कोई बना नहीं सकता।
कितना भी अकीदा रख लो, हम जिसके मुरीद हैं भाग दौड़ के हमें अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। अल्लाह के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं बनता, अल्लाह किसी के दबाव में नहीं आता, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक, अल्लाह के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई प्रेशर। शिफात करेंगे अल्लाह के रसूल, लेकिन कब? जब अल्लाह इजाजत देगा। वला यशफउ इंदहु इल्ला बिइज्निही, अल्लाह के सामने कोई सिफारिश करने की भी हिम्मत नहीं करेगा कयामत के दिन, मगर जिसको अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह के रसूल भी सिफारिश करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब अल्लाह इजाजत देगा तब अल्लाह के रसूल सिफारिश कराएंगे। अल्लाह ने इजाजत दी, ठीक है, तब अल्लाह के नबी कहेंगे अल्लाह इनको बख्श दे इनको। तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जितने लोगों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा, सबको बख्श दे ये मुमकिन नहीं। वो चाहे तो बख्श सकता है सबको, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबको बख्शे। अल्लाह के नबी जितनों को चाहे उतनों को जन्नत में ले जाए, ये भी जरूरी नहीं। अल्लाह के नबी सिर्फ सिफारिश करेंगे, अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा। मेरे भाइयों, इस तौहीद को याद रखिएगा। अभी आ रहे एक दो वाकयात और। नूह अलैहिस्सलाम ने के बेटे पर मुसीबत आई, नूह ने किसको पुकारा? अल्लाह को। और अल्लाह ने इसके बावजूद नूह की नहीं सुनी, डूब के मर गया नूह का बेटा नूह के सामने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो, नमरूद के सामने खड़े और हुज्जत हो रही है, बहस हो रही है। अलम तरा इल्लज़ी हाज्जा, गौर करो है? क्या नक्शा खींचा कुरान ने। आए इब्राहिम, क्या उसको नहीं देखा जो आपसे बहस कर रहा था अल्लाह के सिलसिले में? नमरूद, और नमरूद कौन है? कौन है? पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला। दो काफिर पूरी दुनिया पर हुकूमत किए हैं, दो मुसलमानों ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और एक ज़ुल्करनैन, ये दो निकले हैं मुसलमानों में जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और दो काफिर भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, एक नमरूद और एक बख्त-ए-नसर। एक का नाम है बख्त-ए-नसर। ये दो काफिर भी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके सामने खड़े हैं? नमरूद के सामने। अब जरा हस्ती देखिए, नमरूद कौन है? पूरी दुनिया का बादशाह। अरे कोई गांव का सरपंच नहीं है नमरूद, किसी गांव का सरपंच नहीं, मुखिया नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, और किसी मुल्क का बादशाह भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कौन? नमरूद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके सामने, देख रहे हैं तौहीद इंसान के अंदर ये बहादुरी और ये जुरत पैदा कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे कह रहे हैं, नमरूद उनके सामने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने इसके जवाब में क्या कहा? आना ओही व उमीद, मैं भी तो जिंदगी देता हूं और मैं भी तो मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसे? मोटी अकल थी, उसने क्या किया? जिसको फांसी की कत्ल की सजा थी, जेल में जो बंद था, जिसको दो चार दिन में कत्ल किया जाना था, उसने उस सजा याफ्ता को छोड़ा, निकाला कैद खाने से और छोड़ दिया। कहा देखो, जिसको मौत की सजा थी मैंने उसको छोड़ दिया, और एक बेकसूर, एक बेगुनाह आदमी को लाया, पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। और इब्राहिम से कहा, देखो मैंने एक आदमी को कत्ल कर दिया, मैं भी जिसको चाहूं मार सकता हूं और जिसको चाहूं जिंदगी दे सकता हूं। अना ओही व उम्मीद, मैं भी जिंदगी देता हूं और मैं भी मौत देता हूं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए इसकी मोटी खोपड़ी है, यह ऐसे नहीं समझेगा। तो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या कहा, नहीं आए नमरूद, मेरा रब वो है, मेरा अल्लाह तो वो है जो मशरक से सूरज को निकालता है, पूरब से सूरज को निकालता और पश्चिम में डुबोता है, मगरिब में डुबोता है। अगर तू अपने आप को रब कहता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, तू अपने आप को अल्लाह कहलवाता है, तू अपने आप को मालिकुल मुल्क समझता है, तो इसका उल्टा करके दिखा। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है, तू मगरिब से निकाल कर मशरिक में डुबो दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। फबोहितल्लजी कफर, इतना कहना था कि उस नमरूद की आंखें फटी की फटी रह गई। इब्राहिम ने हमसे किस चीज का मुतालबा कर लिया, याद रखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी गांव के सरपंच, किसी गांव के मुखिया का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अकेले तने तना पूरी दुनिया के बादशाह के सामने खड़े होकर उसको ललकार रहे हैं। यह तौहीद की ताकत होती है, यह तौहीद हिम्मत पैदा करती है। आप अपने बाप के सामने तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपनी बीवी के साथ तौहीद जिंदा नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में तौहीद का ऐलान नहीं कर सकते हो। हमें ये चीज पसंद तो आ रही है, लेकिन अगर आज मैंने एक अल्लाह की से मांगना शुरू कर दिया तो हमारी बहन की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे गांव के लोग हमें पंचायत से बाहर कर देंगे। अगर हमने मजहब बदल दिया, मसलक बदल दिया, एक अल्लाह की इबादत करने वाले और एक अल्लाह से मांगने वाले अगर बन गए तो हमारी बेटी और हमारी बहनों की शादियों का क्या होगा। आज इस शर्म की वजह से हम सही चीज कबूल नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी मामूली आदमी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह के सामने अकेले खड़े हैं। नमरूद ने आग की तैयारी की और आग में डाला जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, चरखी डाल दी गई, झूले पे लटका दिया गया, आग में डाला जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जब आग में डाला जा रहा है, ये मुसीबत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आती है, इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं, इस मुसीबत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते हैं। कुल्ला या नारू कूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये नमरूद मुझे आग में डाल रहा है, अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं बरहक हूं, तेरे राह में अगर मैं सही तौर पर लड़ रहा हूं, तो अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। ऊपर से हुक्म होता है, आए आग तू ठंडी हो जा मेरे बंदे इब्राहिम पर। किसको पुकारा? अल्लाह को। इब्राहिम अल्लाह को पुकार रहे हैं, नूह अल्लाह को पुकार रहे हैं, आदम अल्लाह को पुकार रहे हैं, जकरिया यहया अल्लाह को पुकार रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ, याकूब के और दूसरे बेटों ने मिलकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता नहीं चला। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतनी दुआएं मांगे कि मांगते मांगते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। आओ तुम्हें एक ऐसा नक्शा दिखाऊं, जनाबे मोहम्मद और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मंजर भी देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का मंजर देखो, बीमारी है, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, नबी है और पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ गया, कीड़े उनका गोश्त खा रहे हैं। अरे आप लोगों के पाई फोड़ा हो जाता है, कभी जख्म हो जाता है और जख्म पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, डिटॉल वगैरह से साफ कर लिया गया, आजकल तो कीड़ों को मारने की दवाएं एंटीबायोटिक दवाएं भी आ गई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में कीड़े,
इस बीमारी से शिफायाबी की दुआ अल्लाह। ओफो नबी है, परेशानी आ रही है, नबी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अपनी परेशानी के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर का सफर कर रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ने कहा था बस्ती छोड़ के मत जाओ, नहीं इस बस्ती के लोग ईमान नहीं ला रहे, हम दूसरी बस्ती में जाके तबलीग करेंगे लेकिन दूसरी बस्ती में। अल्लाह ने कहा नहीं, इसी बस्ती में रहो। नहीं माने। यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरी बस्ती में जाने के लिए समंदर का सफर कर रहे हैं, कश्ती हिचकोले लेने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, इस आंधी और तूफान के मौके पर नाव चलाने वाला कहने लगा अल्लाह का कोई नाफरमान बंदा इस कश्ती में बैठा हुआ है। अच्छा फिर क्या किया जाए? कहा कैसे पता चले? कहा जो अल्लाह की नाफरमानी करके आया है उसको चाहिए कि वो इस समंदर में कूद जाए ताकि पूरी की पूरी कश्ती में और लोग ना मारे जाएं। कौन बताए कि मैं नाफरमानी करके आ रहा हूं? पर्चियां डाली गई, कुरान दाजी होती है, जब कुरान दाजी की नौबत आई और पर्चियां फेंकी जाती हैं जमीन कश्ती पर, और यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा जाता है आए यूनुस तुम उठाओ, तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नेक बंदे हो, तुम ही पर्ची उठाओ, देखे किसका नाम निकलता है। कुरान दाजी होती है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक पर्ची उठाते हैं, 50 लोगों में जब पर्चियां डाली जाती हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था किस पर्ची में मेरा ही नाम निकलेगा। जैसे ही पर्ची खोली जाती है यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ने यह जाहिर कर दिया है यही है जो मेरे हुक्म के बगैर कश्ती में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। इधर समंदर में फेंका, कुरान क्या कहता है, फल तकमहुल हूत, उधर मछली ने उनको अपने पेट में निगल लिया। बड़ी मछली, जो लोग समंदर का सफर करते हवाई पानी के जहाज वगैरह से गए होंगे हज करने, पुराने जमाने के लोग, उनको मालूम होगा समंदर में कितनी कितनी बड़ी मछलियां होती हैं, हैं? पूरे पूरे जहाज को भी पलट देती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। मेरे भाइयों एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, 3 दिन 3 रात यूनुस मछली के पेट में रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई, नबी है और मुसीबत, अपनी मुसीबत खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं और क्या दुआ कर रहे हैं। कुरान पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुभानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं, यानी तेरी नाफरमानी की है, ऐ अल्लाह मैंने तेरा हुक्म नहीं माना, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। ये दुआ पड़ी, तब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाला और मछली ने उनको खुशकी में जाकर अपने पेट से बाहर निकाल कर उगल दिया। तो मेरे भाइयों गौर करो और गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यूनुस पर मुसीबत आई तो यूनुस ने किसको पुकारा? ये तौहीद का मिशन है। खैर आज इस जयनगर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं इस पैगाम को सुने, इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े पैगंबर मुसीबतें खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर कर रहा है। नबियों की जिंदगी ये बतला रही है कि पैगंबरों ने भी अल्लाह ही को पुकारा। आइए जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा, नबी की जिंदगी क्या कहती है, आप अंदाजा लगाइए। नमाजें पढ़ लीजिए, सजदों पे सजदे कर लीजिए,
जितनी चाहो इबादतें कर लो, अगर तौहीद नहीं है, शिर्क पर अमल है हमारा और आपका, तो लाइना शरकता लाइह बतन नाम लुक, अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारे भी अमल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी फरमा दिया, लाइना शरकता लाइह बतन नाम लुक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल भी बेकार हो जाएंगे। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं चल सकती है। मस्जिद में जाओ और कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा, और फिर किसी चौखट पे जाके कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अल्लाह को पुकारो तो इसका इनकार करो, अल्लाह ही को पुकारा जाएगा और अल्लाह ही से मांगा जाएगा। आपको बताऊं, अरे सुनिए, जंगे बद्र का मंजर मालूम है? जंगे बद्र का आइए जरा सुन लीजिए, हमसे भी कितने सहाबा थे, 313, और काफिरों का लश्कर कितना था, 1000 से ज्यादा। आइए वो नक्शा दिखाने जा रहा हूं आपको कि दंग रह जाएं, 313 सहाबा और काफिर कितने, 1000 से ज्यादा, हर एक के मुकाबले में 3 से ज्यादा। कहां 313 और कहां 1000 से ज्यादा, और इन 1000 लोगों के पास तीर भी है, तलवार भी है, जीन भी है और घोड़े भी हैं, और सहाबाए किराम के पास तलवार है लेकिन अपने आप को काफिरों के तीर से बचाने के लिए ढाल नहीं है। घोड़ा है तो जीन नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है। मंजर देख रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद लड़ने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल ने इन 1000 काफिरों को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन 1000 काफिरों को देखा, और 313 निहत्ते मुसलमानों की तरफ नजर डाली। अब सुनिए, 313 निहत्ते मुसलमानों की तरफ नजर डाली तो आंखों में आंसू आ गए और सजदे में गिर गए। नोट करिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह को पुकार कर ये दुआ मांगी, अल्लाह से ये दुआ की। किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुआ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुबद बादल यौमी कत्तू। इन दुआओं पर, इस दुआ पर जरा गौर करो, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा, ऐ अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को हलाक न करना, ऐ अल्लाह ये 313 मुसलमान सहाबा इनको तू बर्बाद मत कर देना, इनको तू हलाक मत कर देना, ये नियते इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं, तलवार है तो बचाने के लिए ढाल नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं, ऐ अल्लाह ये हथियार से लैस नहीं है, निहत्ते सहाबा है, ऐ अल्लाह ये तेरे नबी के उम्मती है, यही मुट्ठी भर जमात है, ऐ अल्लाह यही मेरी 13 साल मक्के की जिंदगी में यही 313 मुसलमान हुए, ऐ अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, इन तहलीक हाजिर
मिला साबा लंतो बदबादल यौमी कत्तु। ऐ अल्लाह अगर आज ये मिट गए, अगर आज ये खत्म हो गए, अगर आज ये दुनिया से खत्म हो गए तो लंतो बदबादल यौमी कत्तु, तो आज के बाद कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, अल्लाह तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं और किससे? अल्लाह से। क्या कह रहे हैं? अगर आज ये मुट्ठी भर जमात, ये 313 अगर हलाक हो गए तो इस रूए जमीन पर कभी तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। पीछे से अबू बकर सिद्दीक ने हाथ से इशारा किया, सजदे में है अल्लाह के नबी, ऐसे इशारा किया पीठ पर, अल्लाह के नबी ने सजदे से सर उठाया। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, मैंने अल्लाह के रसूल को अपनी पूरी जिंदगी में इतना रोते हुए कभी नहीं देखा जितना मैंने बद्र के मैदान में उस जमीन पर आंसू बहाते हुए देखा। नबी पर परेशानी, नबी पर मुसीबत के बादल, लेकिन पुकार रहे हैं तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। यही तौहीद का मिशन है, यही तौहीद की दावत है। आए वो लोगों जो नमाजों में इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन कहते हो और फिर आस्थानों पे जाके कहते हो कि बाबा बेटा दे दो बेटी दे दो, अपने ईमान का जायजा लो, अपनी तौहीद का जायजा लो। अल्लाह ताला अपने नबी से भी कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क पर मरेंगे और आप भी शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार हो जाएंगे, लयहबतन्ना अमलुका, तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, आपके अमल भी बर्बाद। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं, कितने भी हज कर लो, कितनी भी जकात दे दो, कितनी भी नेकियां कर लो, कितने भी नफली रोजे रख लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, अगर शिर्क है हमारी जिंदगी में, हमारे अमल बेकार। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की, कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी को शिर्क से बचाने की। शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा बारीक होता है। कोशिश करिए ये कहने की कि बीमार था, अरे डॉक्टर ने दवा दी तब जाकर मुझे आराम मिला। कोशिश करिए ये जुमला आपकी जबान से ना निकले, बल्कि ये जुमला निकले, बहुत बीमार था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, उस डॉक्टर से दवा लेके आया, अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा के जरिए मुझे शिफा अता फरमाई है, ये जुमले निकले हमारे मुंह से। अरे घर में कुत्ता ना होता तो चोरी हो जाती, ये जुमला ना निकले, ये जुमला निकले कि अल्लाह ने इस कुत्ते के जरिए मेरे घर की चोरी बचवा दी। शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है, फला डॉक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। ऐसे शिर्क से अपने आप को बचाइए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं, आप अपने ऊंटनी पे सवार हैं, ऊंटनी की लगाम को तमाम लोग पकड़े हुए कि मेरे घर पे रुकिए, मेरे घर पे रुकिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऊंटनी की लगाम को छोड़ दो, ऊंटनी आज मेरे हुक्म से नहीं अल्लाह के हुक्म से रुकेगी, जिसके घर पे अल्लाह रोकेगा उसके घर पे रुकेगी। मदीने की औरतें छतों पे चढ़ी हुई है, देखना चाहती है कि अल्लाह के रसूल की सवारी किसके मकान पे रुकती है। औरतें घरों की छतों पे चढ़ी है, नबी अकरम को अपनी आंखों से देखना चाहती है कि ये नबी की ऊंटनी किसके घर पे रुकती है। उसी मदीने में छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, दफ बजा रही हैं, 5-5 साल की बच्चियां हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, दफ बजाते हुए कह रही है तलाल बदरु अलैना मिन सनैया दिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 14वीं रात का चांद मदीने में नमूदार हुआ है, फारान की चोटियों से चमका है, आज मक्के से मदीना तशरीफ लाया है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जितना हो सकेगा। और उन बच्चियों ने गीत गाते गाते ये शेर भी पढ़ दिया, वफीना नबी यालमु मा फी गद। आज तो मदीने में एक ऐसा नबी आ गया है जो कल की बात भी
भी जानता है, कल क्या होने वाला है वो भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने जब ये सुना कि इन बच्चियों ने ये कहा कि एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है, ऊंटनी से उतर गए, उन बच्चियों के पास आए, फरमाया दई हाजिल कलिमात, अरे बच्चियों ये जुमले मत पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो, अल्लाह की कसम मैं कल की बात नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, कल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। शिर्क बर्दाश्त नहीं किया, शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। आज मेरी औलाद अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अभी हमारे लिए सहारा बन गया है, अभी हमें खिलाएगा पिलाएगा नहीं। कोशिश करो कि हमारे मुंह से जुमले निकले कि अल्लाह ने हमारी औलाद को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया और मुझे इस औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी परवरिश फरमाएगा, ये औलाद इंशाअल्लाह मेरा सहारा बनेगी अल्लाह की तौफीक से, ये जुमले हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मेरे भाइयों, चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है ये शिर्क। कोशिश करिए शिर्किया जुमले हमारी जबान से ना निकले। आपने खौला बिनते सालबा का नाम सुना होगा, एक बहुत ही बुजुर्ग सहाबिया गुजरी हैं। जरा सुनिएगा नक्शा, मंजर देखिएगा। इनके शौहर थे खौला बिनते सालबा के औस इब्ने सामित, इनके हस्बैंड थे, और किसी बात पर अपनी बीवी खौला से नाराज हो गए तो खौला से नाराजगी के आलम में क्या कह दिया, अंत अलैया का जहर उम्मी, आए खौला तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है। अरबी जबान में ये जुमले बहुत खतरनाक है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कह दे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब इस जुर्म की तलाफी कैसे होगी। खौला बिनते सालबा ने औस इब्ने सामित से किसी बात पर थोड़ी सी, मियां बीवी हैं होते दो बर्तन है खड़कते हैं, औस इब्ने सामित ने कह दिया कि अंत अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो चुकी है, चल आए खौला तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम। खौला बिनते सालबा ने बाद में कहा है, मेरे हस्बैंड औस ये तुमने क्या किया है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब जबान से निकला हुआ तीर कैसे वापस आए। उस जमाने में ये था कि जो शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कर ले तो अब उससे मिल नहीं सकता था, बल्कि माँ की तरह उसको खिदमत करना पड़ती थी अपनी बीवी की, क्योंकि अब वो माँ, अब वो बीवी नहीं रही। औस इब्ने सामित ने बाद में बहुत अफसोस किया कि मेरे मुंह से ये जुमले नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको जो मंजर बताना चाहता हूं उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए, मेरे प्यारे साथी उस मंजर की तरफ जरा आइए और देखिए। औस इब्ने सामित को अफसोस होता है, उन्होंने अपनी बीबी खौला बिनते सालबा से कहा, आए खौला तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और अल्लाह के नबी को पूरी बात बताओ, अल्लाह के रसूल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हमारे और तुम्हारे मिलने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। खौला बिनते सालबा अपनी शिकायत लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आती हैं और कहती हैं, अरे अल्लाह के रसूल मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह मेरे हमको हराम कर लिया, अरे अल्लाह के नबी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी और कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द की होती है, ऐ अल्लाह के नबी मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खौला तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। देखिए नबी की भी चौखट बंद हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ खौला तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, अब तू अपने शौहर से अलग रहेगी, तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है। अल्लाह के नबी मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो नहीं दी, सिर्फ माँ की तरह हराम कर लिया है, सिर्फ बोल दिया गुस्से में आकर, आप तो नबी हैं कोई रास्ता निकाल सकते हैं। फरमाया खौला अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं,
मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की रिवायत के मुताबिक खौला ने इतनी जिद की कि अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकालिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला को दरवाजे के बाहर कर दिया। अरे खौला जिद मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, जाओ अब तुम अपने शोहर के लिए हराम हो चुकी हो। खौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे से बाहर आती है, नबी की चौकट को छोड़ती है, नबी के दरवाजे को छोड़ देती है, घर से बाहर निकलती है। अब जो चीज दिखाना चाहता हूं जरा इधर देखिएगा, जयनगर वालों बड़े गौर से सुनते हो तुम, सुनिएगा मंजर। नबी की चौखट बंद, अल्लाह के रसूल ने दरवाजा बंद कर लिया अपना, खौला बाहर। खौला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे की चौखट को देखा, उसी दरवाजे से लगी हुई मस्जिद नबी की चौखट को भी देखा। उसने फौरन पुकार के कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है, रब का दरवाजा तो खुला है। लोग किसकी चौखटों पे जाते हैं आज, औलाद की फरमाइश करने, बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। और यहां तो जिंदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद, और खौला ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है, वो मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होती है, अंदर जाती है, उस कुएं के पानी को खींचती है, उसने वुजू बनाया, वहीं पर दो रकात नफिल नमाज पढ़ी, और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद रफा यदैहा इलस समा, उसने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया। अरे दुआ मांगने के तरीके भी सीख लो, बहस आज तक करते हो इमाम के पीछे दुआ हो जाती कि नहीं हो जाती है, मस्जिद का इमाम दुआ करे हम उसके पीछे दुआ कर ले तो क्या हर्ज है, मस्जिद का इमाम दुआ अगर नहीं करता है तो कुछ लोग मस्जिद के इमाम को भगाते हैं, मस्जिद से जाओ तुम्हें तमीज नहीं आती है, तुम दुआ नहीं मांगते हो। अरे दुआ मांगने की उसूल और जाब्तों को भी सीखो कि दुआ कैसे मांगी जाती है। खौला बिनते सालबा ने वजू बनाया, दो रकात नफिल नमाज पढ़ी, रफा यदैहा इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया और अपने रब को पुकार कर दुआ करने लगी। आए अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, आए अल्लाह तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है, आए अल्लाह तेरे नबी का दरवाजा भी बंद हो चुका है, आए अल्लाह तेरे नबी का दरवाजा भी बंद, तेरे नबी की चौखट भी बंद हो चुकी है, आए अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, आए अल्लाह अगर तूने मेरी दुआ ना सुनी, तूने मेरी फरियाद ना सुनी तो मैं कहां जाऊंगी। अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को सुन लिया, अर्श वाले ने खौला बिनते सालबा की दुआ को कबूल कर लिया। सुनिए मेरे साथियों, अभी खौला बिनते सालबा के हाथ नीचे नहीं हुए थे, अभी उसने दुआ खत्म नहीं की थी कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल इस दुनिया में आते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों के साथ जिब्राइल अमीन को भेजा, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलु फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्ला, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलु का, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलु का, जो आपसे बहस कर रही थी, कौल लती तुजादिलु का, जो आपसे बहस कर रही थी, आपसे तकरार कर रही थी कि मेरे और मेरे शोहर के दरमियान रास्ता निकालो, आपकी चौखट बंद हो गई, वो तश्तकी अल्लाह, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह को भी पुकार रही, जाओ उस एक औरत की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन ली, और उस एक औरत की दुआ से अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम औरतों के लिए मसला बदल दिया, उसका
जाल निकाल दिया। आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत को बुलाइए और उसको बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरा हल निकाल दिया है। और हल ये है कि जो लोग अपनी बीवियों को अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लें, अगर वो चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं, तो एक गुलाम आजाद करें, एक गुलाम गुलाम आजाद कर देंगे, उनकी बीवी हो जाएगी। और अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें, 60 रोजे जैसे ही रख लेंगे पै दर पै कंटिन्यू लगातार, बीच में कोई नागा नहीं होना चाहिए। बीमार हो जाए तो अलग बात है, कोई शरई उज्र हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बीमार नहीं है, शरई उज्र नहीं है, तो कंटिन्यू लगातार 60 रोजे, और 60 रोजे जैसे ही खत्म होंगे तुम उसको अपनी बीवी बना सकते हो। और 60 रोजे रखने की भी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाओ, अपनी बीवी बना लो। मेरे भाई, इससे पहले नहीं, लेकिन रास्ता तो निकाला, पहले तो रास्ता ही नहीं था। हराम हो गई तो हो गई, अपने आप माँ की तरह हराम कर लिया तो कर लिया, अब वो बीवी बनी नहीं सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इस औरत की दुआ को सुना। यही वो औरत है, एक मर्तबा एक पुल के ऊपर लाठी टेक कर खड़ी थी, हजरत उमर फारूक का घोड़ा आ रहा था, इस औरत ने इशारा किया, उमर रुक। हजरत उमर रुक गए। खौला बिनते सालबा ने उंगली के इशारे से कहा, उमर घोड़े से उतर। हजरत उमर घोड़े से उतरे, इस औरत ने उनके कान में कुछ कहा, हजरत उमर ने उसकी ख्वाहिशों को फौरन पूरा किया। सहाबा ताना देने लगे, अमीरुल मोमिनीन इतने बड़े खलीफा होकर, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन होकर, एक मामूली औरत ने आपको टोका और आप रुक गए, उसने घोड़े से उतारा आप उतर गए, और आपने अपना कान उस औरत के मुंह से लगाकर उसकी गुफ्तगू को सुन लिया। अरे उसको दरबारे खिलाफत में भी बुला सकते थे, उसको अपने पास भी बुला, आओ ये भी कह सकते थे, चलो आओ तुम्हें कोई काम है तो मेरे दरबार में आना। आपने उसकी आवाज को सुना, उतर गए अपने घोड़े से और उसके पास चले गए। हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, आए मेरे साथियों, ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है, जब इसने पुकारना शुरू किया तो सातवें आसमान पर बैठा हुआ अर्श, अर्श के ऊपर लगी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ अल्लाह तबारक व तआला भी इस औरत की फरियाद को, इसकी दुआ को रद्द न कर सका। इस औरत की दुआ को सातवें आसमान पर अर्श वाले ने भी इसकी दुआ को कबूल किया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजकर रास्ता बदल दिया, बता दिया था कि इस औरत के लिए हमने रास्ता बना दिया है। इस औरत की गुफ्तगू को जब अर्श वाले ने नहीं टाला है तो उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को ना सुने, फिर उमर की क्या मजाल जो उसकी गुफ्तगू को छोड़ दे। मेरे भाइयों, ये खौला बिनते सालबा थी। हम कहां हैं? हमने तौहीद को समझा नहीं, हम ये जानते बस नमाज पढ़ो और शिर्क पे शिर्क करते रहो। मेरे भाइयों याद रखना, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वो है जो शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा, और शिर्क के अलावा जिसको भी चाहेगा माफ कर देगा। इसलिए कोशिश करिए कि जब मौत आए तो इस हाल में आए कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करते हों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मम माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, फिर भी जन्नत में जाएगा। हाँ, वो जाएगा, शर्त यह है कि वो शिर्क नहीं करता हो। जहन्नम में अपने गुनाहों की सजा पाएगा, चोरी की सजा जहन्नम में पाएगा, जिना की सजा जहन्नम में पाएगा, शराब नोशी की सजा जहन्नम में पाएगा, लेकिन चूंकि वो तौहीद पे मरा, शिर्क नहीं करता था, इसलिए सजा पाने के बाद फिर निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर कोई आदमी पांचों वक्त नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजों पे रोजे भी रखता, हज भी किया, लेकिन शिर्क भी करता है, तो वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, जहन्नम से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। मेरे भाइयों याद रखिए, हर फर्ज नमाज के बाद आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाइए,
फर्ज नमाज जब भी पढ़िए तो ये दुआ भी पढ़ा करिए फर्ज नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुती लिमा मनाता वला यनफौजल जद्द मिनकल जद्द। जानते हो कितनी बड़ी तौहीद है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, ऐ अल्लाह तू अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती है, वला मुती लिमा मनात, और अगर किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात उसको देना चाहे तो नहीं दे सकती है। इस जिंदगी और मौत का मालिक कौन है मेरे भाइयों? ये मत समझो ये तो एक बहाना है, हॉस्पिटल ये एक बहाना है झाड़ फूक, वरना मौत का जब वक्त आ जाता है तो मौत अपने वक्त पर आ जाती है। याद करो जब एक काहिन ने, याद करो जब एक काहिन ने फिरौन से कहा था कि आए फिरौन तेरी सल्तनत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चा बड़े होकर तेरी सल्तनत की काया को पलट देगा, तुझे हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा, तुझे तेरी मम्लिकत से बेदखल करेगा। तो फिरौन ने मुस्कुराते हुए कहा था ए काहिन हम किसी बच्चे को जिंदा रहने देंगे तब ना। अरे भाइयों सुनो, गौर करो इस वाक्य को सुनिए, फिरौन ने उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होता था हर बच्चे का कत्ल करवा दिया करता था। क्यों? क्योंकि एक नुजूमी ने, काहिन ने ये कह दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तेरी सल्तनत को खत्म करके खुद बादशाह बनेगा और तुझे तख्त और ताज से बेदखल कर देगा। ओहो, फिरौन इसके बाद से हर बच्चे को कत्ल करवाने लगा। फिरौन के वजीर, फिरौन के दरबारी एक एक घर में घुस घुस कर जायजा लेते थे कि किसी तरीके से किसी बच्चे का पता चल जाए। जिस बच्चे का पता चलता था फिरौन के हवाले कर दिया जाता था और उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था, किसी बच्चे को जिंदा नहीं रखा जाता था। उसी बस्ती में, फिरौन की उसी ममलिकत में, फिरौन की उसी बादशाही में अल्लाह तबारक ताला ने मूसा को पैदा कर दिया और मूसा की मां 3 दिन 4 दिन तक अपने बच्चे को छिपाती रही, अपने बच्चे को कभी इधर से कभी उधर ले जाती रही, और जब उसको यकीन हो गया कि मेरा बच्चा भी पकड़ लिया जाएगा, मेरा बच्चा भी फिरौन के दरबारी अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और इसको फिरौन के सामने पेश कर देंगे और फिरौन मेरे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तो इसके जहन में तरकीब आई। अल्लाह ने इस तरकीब को उसके दिमाग में डाला। फिरौन, मूसा की मां ने लकड़ी के एक संदूक के अंदर, लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया, लकड़ी के एक संदूक के अंदर मूसा को बंद कर दिया और दरियाए नील के सुपुर्द कर दिया। जिस जगह की लहरें बह रही थी उसी जगह पर लकड़ी के उस संदूक को बहा दिया। वो देखती रही, देखती रही और समंदर की लहरें उस लकड़ी के संदूक को बहा के ले जा रही है। मूसा की मां के पास कोई और रास्ता नहीं था, मेरे पास ये बच्चा रहेगा तो देख लिया जाएगा और पकड़ा जाएगा। ऐसे समंदर में बहते बहते अगर किसी के घर के सामने से गुजरेगा और शायद कोई इस बच्चे को उठा ले और अपने घर में पाल पोस कर बड़ा कर दे। फिर मूसा की मां ने संदूक में मूसा को बंद करके लकड़ी के और समंदर के हवाले कर दिया और देखिए अल्लाह की कुदरत, वो दरियाए नील में बहता बहता, चूंकि फिरौन का महल भी वही था जो दरियाए नील से लगा हुआ था, फिरौन की बीवी आसिया की नजर जब इस लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो अपने महल से झांक रही थी, उसने अपने दरबारियों को भेजा, कहा इस संदूक को उठा के लाओ, पता नहीं कौन सा खजाना इसके अंदर है। उसके दरबारी गए, लकड़ी के उस संदूक को उठा के लाए, जब खोल के देखा आसिया में फिरौन की बीवी ने तो दंग रह जाती है। निहायत खूबसूरत और हसीनो जमील बच्चे को देखती है। फिरौन को पता चला, फिरौन ने कहा मेरी बीवी इस बच्चे को मेरे हवाले करो, मैं इसको कत्ल करूंगा।
फिरौन की बीवी ने कहा नहीं, ये बच्चा तो हमारे पास रहेगा, हमारी औलाद नहीं, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे और हमारे यहाँ रहेगा तो क्या आपके खिलाफ बगावत करेगा, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे। फिरौन ने कहा नहीं, हम इसको कत्ल करेंगे। लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे मान जाता है, कहता है कि ठीक है, जब हमारी निगरानी में रहेगा तो हमारे खिलाफ क्या बगावत करेगा, ठीक है तुम इसको पालो। उसको क्या मालूम था कि यही फिरौन के घर में पलने वाला यही बच्चा बड़े होकर हमारी सल्तनत को पलट देगा। वही फिरौन जो एक बच्चे को जिंदा नहीं रखता था, लेकिन अल्लाह ने जिसको बचाना चाहा वो फिरौन के घर में अल्लाह ने उसको बचाया। वो फिरौन जो पूरे मुल्क मिस्र के पैदा होने के बाद हर बच्चे को कत्ल कर देता था, लेकिन अपनी तख्त और सल्तनत के हटाने वाले मूसा को अपने घर में परवरिश करता है, पलवाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर में पलवाता है। यह है कुदरत का निजाम। मेरे भाइयों, कौन बदल सकता है कुदरत के इस निजाम को, कौन चेंजिंग कर सकता है कुदरत के इस निजाम की? मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने बचाना चाहा मूसा को तो देख लीजिए वो फिरौन जो हर बच्चे को कत्ल कर देता था लेकिन मूसा को नहीं मार पाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह को बचाना था। और जिसको मारना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। सन 1957 का एक वाकया मुझे याद आता है। उस वक्त एक ट्रेन चलती थी जो कोयले वाली हुआ करती थी और गोरखपुर से वो ट्रेन गोंडा के लिए आती थी। जो लोग छोटी लाइन से वाकिफ है वो जानते होंगे, गोरखपुर से चलते हुए नौगढ़, फिर बढ़नी, बढ़नी के बाद एक स्टेशन आई कौवापुर, कौवापुर से ये लोकल ट्रेन चली और बलरामपुर आने से पहले एक राप्ती नदी पड़ती है। राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद जैसी क्रॉस किया बलरामपुर स्टेशन के आने से पहले ट्रेन का ड्राइवर क्या देखता है कि एक नौजवान लड़की पटरी पर दौड़ती हुई चली आ रही है, खुदकुशी करना चाहती है, मरने के इरादे से आ रही है। ट्रेन के ड्राइवर जिसका नाम मोहम्मद कासिम था, ये सन 1957 की बात है, 1957 की, उसने ब्रेक लगाए, पूरी ताकत के साथ उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद देखता है कि ट्रेन रुक गई, वो जल्दी से ट्रेन से उतरता है। उतरने के बाद देखता है कि लड़की पटरी पर पड़ी हुई है, लेटी हुई है और ट्रेन और लड़की के दरमियान दो बालिश्त का फासला है, दो बालिश का फासला है। उसने ठंडी सांस ली कि ट्रेन का पहिया इस लड़की के ऊपर नहीं चला, लड़की बच गई। उसने कहा मेरी मेहनत कामयाब हो गई। उसने ब्रेक लगाए लड़की को बचाने के लिए और जब उतर के देखता कि दो बालिश का फासला है, उसने लड़की को उठाना चाहा, उठो, लेकिन लड़की बेहिस पड़ी हुई है। उसने टटोला, लड़की बेहिस पड़ी हुई है, उसने हाथ रख के देखा, धड़कने बंद, उसकी रूह निकल चुकी है, वो ट्रेन के आने से पहले ही हार्ट अटैक से मर चुकी है, हरकतें कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, वो मर चुकी है। मोहम्मद कासिम ने बयान दिया रोते हुए, क्या कहता है कि मेरी जिंदगी को 20 साल हो गए हैं ट्रेन चलाते हुए, 20 साल की पूरी जिंदगी में मेरे सामने ये पहला हादसा हुआ। मैंने पूरी जिंदगी में ट्रेन चलाने की लाइफ में मैंने सबसे जोरदार ब्रेक आज लगाए और मैंने पूरी कोशिश की कि ट्रेन को रोक कर इस लड़की को बचा लूं, लेकिन मैंने ट्रेन रोक दी, रोकने में भी कामयाब हो गया, लड़की के ऊपर ट्रेन का पहिया भी नहीं चढ़ा, मैं उसमें भी कामयाब हो गया। लेकिन अब ऊपर वाले ही ने इस लड़की की जिंदगी में मौत लिखती थी तो मैं क्या कर सकता हूं, यानी मेरी कोशिश के बावजूद भी लड़की नहीं बच सकी है। अगर मारने ही पे अल्लाह रब्बुल आलमीन आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। दोनों मिसालें दे दी, फिरौन मार रहा था हर बच्चे को, लेकिन अल्लाह को बचाना था तो मूसा को उसी के घर में बचा के पाल पोस करके दिखा दिया। और इस आदमी ने बचाना चाहा लड़की को, कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन हरकत कल्ब से यह लड़की मर चुकी। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह है, मौत के घाट उतारने वाला अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इज्जत और जिल्लत देने वाला
यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने सोतेले भाई थे कुएं में फेंक दिया। काफिला आया, निकाला, ले गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, पलते गए, बढ़ते गए, जवान हुए। बादशाह की बीवी अजीज़े मिस्र की बीवी ने नियम भी खराब की। आखिरकार झूठे इल्जाम में जेल में भी गए, कई साल जेल में रहे। गौर कीजिए, और कई साल जेल में रहने के बाद यहीं से उनका नक्शा बदलता है। और फिर एक दिन आता है कि वो पूरे मुल्क के मिस्र के बादशाह बने हैं, पूरे मुल्क के मिस्र के हुक्मरान बने। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, हमारे मोदी जी की तरह 15 साल नहीं, इंदिरा गांधी की तरह 20 साल नहीं, पूरे 80 साल तक मुल्क मिस्र के बादशाह रहे, मुल्क मिस्र की हुक्मरानी करते रहे। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहां से निकाले गए, कहां से, कुएं से, कितने में बेचे गए, आपको मालूम है? कुरान पढ़िए, वह शराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, गिनती के चंद सिक्कों में, चंद टकों में उनको मुल्क मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर पहुंचे, बादशाह मिस्र के घर में पलते रहे, बढ़ते गए, जवान हुए। मिस्र के बादशाह की बीवी की नियत खराब हुई, उसकी बात नहीं मानी तो झूठे इल्जाम में कैद खाने गए। 7 साल से भी ज्यादा का जमाना कैद खाने में, यानी जिल्लत भरी जिंदगी जेल की होती है, वहां का जमाना गुजारा। फिर ख्वाब की ताबीर बताई और फिर मुल्क मिस्र के बादशाह बने। और फिर अल्लाह ने 80 साल तक उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बनाया, इज्जत से नवाजा। और उनके भाई जो ये समझ रहे थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक कर मैं अपने बाप की नजर में महबूब बन जाऊंगा, और एक दिन इन भाइयों को भीख मांगने का कटोरा लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भीख मांगने के लिए जाना पड़ा, अपने मुल्क के लिए, कहत के लिए गल्ला मांगने के लिए जाना पड़ा। जरा गौर करो, हम पूरे वाकये की तरफ नहीं जाना चाहते, बताना यह चाहता हूं कि इज्जत देने वाला अल्लाह जलील जिसको जिल्लत दे, देख लीजिए। और जीती जागती मिसाल अगर लेना है तो मेरी ले लो, मेरे दुश्मन ने क्या नहीं किया मेरे साथ। 4 महीने पहले जेल पहुंचाया, फिर 4 महीने के लिए दोबारा जेल, 10 साल की सजा भी पूछे लोअर कोर्ट से, इस बंदे को मुहरी। लेकिन बताइए, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये शख्स तो एक दिन के लिए भी जेल में रहने के लायक नहीं, पूरी फाइल पढ़ने के बाद लगता है कि पॉलिटिकल निशाना बनाया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है इसके साथ, और पॉलिटिकल दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया, इमीडिएटली रिलीज किया जाए, इस आदमी को फौरन छोड़ा जाए। इस ऑर्डर के बाद मुझे बाइज्जत मैं निकला। आज वो हमारा दुश्मन जो हमको जलील करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान से मेरे प्रोग्राम बंद कराना चाहता था, आज उसकी हालत यह है कि घर बिक गया, मकान बिक गया, खुद उसका घर बैंक में लोन लेकर सूद और ब्याज जमा करता और किस्त भरता है। मेरे भाइयों, आज वो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है, कहीं आजादी के साथ चल नहीं सकता है। ये जीती जागती मिसाल, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह कोई बंदा नहीं है। इसलिए याद रखिए, इज्जत अल्लाह के हाथ में है और जिल्लत देना भी अल्लाह के हाथ में है। वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, अल्लाह ही इज्जत देता है, अल्लाह ही जलील करता है। याद रखिए, बेटा बेटी भी कोई नहीं दे सकता है। यहां बोले मैं यशाउ इनासा व यहां बोले मैं यशाउ सुकूर, वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, औ यूसुफ भी जो हम जुकरान व इनासा, और जिसको चाहे बेटा बेटियां दोनों दे, वो यजालो मैं यशाउ अकीमा, और जिसको चाहे बांझ कर दे, जिसको चाहे बांझ। ये किसने कहा? अल्लाह ने। किसी नबी के हाथ में नहीं है कि किसी को बेटा दे दे। तुम कहते हो ना, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मुझे बेटी दे दे। अरे ये नबियों को भी इख्तियार नहीं है। देख लीजिए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। किसके पास? शुएब अलैहिस्सलाम के पास बेटियां ही बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था उनके पास। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बेटे ही बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी उनके पास। देख रहे हैं आप? नजर डालिए, पढ़िए सीरत।
जिसको अल्लाह कह रहा है हम जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे दोनों दे और जिसको चाहे कुछ ना दे। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, एक भी बेटा नहीं था। और याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटा भी दिया और बेटी भी दी। बेटे थे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम और बेटियां थी ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा। अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी हैं। वह यजालु मन यशाउ वकीम, और जिसको चाहे बांच कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम को देख लो, कुछ नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम का ना बेटा था ना बेटी, उनकी तो शादी नहीं हुई बगैर शादी के, आसमान पे जिंदा उठा लिए गए। कुरान की आयत में हमने चारों मिसालें दे दी हैं। शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां, याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटा बेटियां दोनों, और ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं। तो बेटा और बेटियां देने वाला अल्लाह है, और जिसको नहीं चाहे दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रही मेरी पौने दो घंटे की तकरीर, जो मैंने आपके सामने अपना कलेजा चीर कर आपके सामने रख दिया है और बता दिया है। और फिर आज आपसे गुजारिश करते हुए यहां बैठे हुए हैं, मेरे बाद भी कोई खतीब है जो बोलेगा, इस मस्जिद के लिए तआवुन मेरा हक है मांगने का, क्योंकि मस्जिद का मामला है। अब हमने ये छोड़ दिया है कहना कि मुझे 1 बजे क्यों टाइम देते हो और 12 बजे क्यों, क्योंकि जब आदमी ने मुझी को मैं वक्ता की शक्ल में अख्तियार किया है और इतना मेहनत करके आप जलसा कराते हैं, तो जाहिर है कि कमेटी वालों की ये बात भी हमें मानना पड़ेगी। हमें कोई एतराज नहीं 1 बजे, 2 या 2 बजे, लेकिन अब आपका जलसा, ये 3:15 बज चुका है मेरी घड़ी में, और 1:30 बजे से मैंने बोलना शुरू किया। ये 2.25 घंटे की स्पीच के बाद मैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपके रूबरू हूं, यहां बैठा हुआ हूं। अब कोई भी खतीब 10 मिनट के बाद आएगा यहां पर, वो आपके सामने लेक्चर देगा, खिताब करेगा। 10 मिनट के लिए मेरे हाथ पर आप इस मस्जिद का जो ताबुन करना चाहे कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो आपको हमसे जो मोहब्बत है वो मुझे देखने को मिली है, और मैं देख रहा हूं 22 साल से इस मोहब्बत में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसलिए इस मोहब्बत का एक कर्ज है, वो आज मैं देखता हूं कि आप हमारे हाथ में इस मस्जिद के लिए कितना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। लाइए जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। 10 मिनट के लिए जितना दो आपको देना चाहे दे दें, और आप हमारे बाद वाले खतीब को आप यहाँ बुला लीजिए, वो आ जाए और फिर वो अपना माइक संभालें पूरा। नईमुद्दीन साहब है, आप बस नियत करिए सवाब की, जिसको भी सवाब पहुंचाना हो कि अल्लाह